नमस्कार। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको अब और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। बाजार नियामक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ESG यानी एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, हिंदी में उसको पर्यावरण सामाजिक और कॉरपोरेट प्रशासन कहते हैं, योजनाएं शुरू करने की अनुमति दी है। ESG योजनाओं की अब 5 नई कैटेगरी है। बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, सबसे अच्छी क्लास वाली और पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट निवेश और टिकाऊ उद्देश्य। म्यूचुअल फंडों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा और कुछ नियमों का पालन करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड को केवल एक ESG योजनाएं लॉन्च करने की अनुमति थी, यानी एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही ESG योजना लॉन्च कर सकती थी, लेकिन अब ज़्यादा ESG योजनाएं लॉन्च कर सकेंगी म्यूचुअल फंड कंपनियां सेबी के इस आदेश के बाद। ESG फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड की थीमेटिक यानी सेक्टोरल उप कैटेगरी में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा डेट, हाइब्रिड, समाधान आधारित और अन्य कैटेगरी के फंड होते हैं। इक्विटी कैटेगरी को लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। डेट कैटेगरी को एक दिन से लेकर के 6 से 7 साल तक पैसे लगाने वालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। हाइब्रिड कैटेगरी को वैसे निवेशकों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो निवेशक इक्विटी और डेट दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी समाधान आधारित कैटेगरी रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस प्लान के लिए फंड जमा करने वालों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, जबकि अदर्स कैटेगरी के जो होते हैं म्यूचुअल फंड, वो इंडेक्स फंड या ETF या फंड ऑफ फंड्स में पैसे लगाने वालों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरी होती है, और आपको बता दूं कि इन कैटेगरी स्कीम्स की भी अलग अलग सब कैटेगरी यानी उप कैटेगरी होती है। जैसे कि इक्विटी स्कीम्स के तहत 10 तरह की स्कीम्स आएगी, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एवं मिड कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड जिसकी चर्चा हमने अभी की, इसके अलावा ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स और फ्लेक्सी कैप फंड। ELSS जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम होती है, उसमें आप 1.5 लाख तक निवेश करके हर साल 1.5 लाख तक इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि ELSS में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, यानी 3 साल तक आपको पैसा नहीं निकालना होता है जब आप ELSS में टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहेंगे तब। अब है डेट स्कीम्स, जिसमें कि 16 तरह की स्कीम्स शामिल हैं, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनामिक बॉन्ड कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड, गिल्ड फंड, गिल्ड फंड विथ 10 ईयर्स कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन और फ्लोटर फंड। जानकारों के मुताबिक डेट स्कीम्स के तहत आने वाली अलग अलग स्कीम्स कितने समय तक निवेश कर सकते हैं, तो ओवरनाइट फंड में 1 दिन के लिए निवेश कर सकते हैं, लिक्विड फंड में 91 दिनों तक निवेश कर सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक निवेश कर सकते हैं, लो ड्यूरेशन फंड में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक निवेश कर सकते हैं, मनी मार्केट फंड में 1 साल तक निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 1 साल से 3 साल तक निवेश कर सकते हैं, मीडियम ड्यूरेशन फंड में 3 साल से लेकर के 4 साल तक निवेशित रह सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 4 साल से लेकर के 7 साल तक निवेशित रह सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में 7 साल से अधिक की अवधि तक के लिए निवेशित रह सकते हैं, डायनामिक और गिल्ड फंड में सभी अवधियों के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। ये जानकारों के हिसाब से है, आप चाहें तो अपने हिसाब से निवेशित रह सकते हैं, इसमें फैसला आपका अंतिम होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितना कहा गया है उतने ही साल तक आपको निवेशित रहना है। अब है तीसरा, हाइब्रिड स्कीम्स। तो हाइब्रिड स्कीम्स में 6 तरह की स्कीम्स शामिल है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड। चौथा है समाधान आधारित यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। इसमें 2 तरह की स्कीम्स शामिल है,
पहला है रिटायरमेंट फंड और दूसरा है चिल्ड्रेंस फंड और पांचवा और आखिरी है अन्य स्कीम्स। तो इस कैटेगरी में दो तरह की स्कीम्स शामिल है, इंडेक्स फंड या ETF और फंड ऑफ फंड्स। ये विदेशी हो सकता है या घरेलू भी हो सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।